everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, smart charts. So we were doing let's do homework section, and now let's continue with question number 2. Question number 2 is, answer the following questions on the basis of the chart showing favorite colors of the children given below. Note, every child likes one and only one color. ओके, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है. वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने बच्चों को, मतलब उनके फेवरेट कलर्स क्या हैं, ठीक है. तो देखो, यहाँ एक्स एक्सिस पे हमें दिया है ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो कलर, और यहाँ दिए हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एंड वन पिक्चर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रेन, ठीक है. देखो, फर्स्ट हमें दिया है ग्रीन, कितने पिक्चर्स हैं, 1, 2, 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12. तो 12 चिल्ड्रेंस को पसंद है ग्रीन कलर. देन रेड, 1, 2, 3, 4, 4, 4 जा 16. 16 चिल्ड्रंस को पसंद है रेड कलर. ब्लू, 1, 2, 3, 4, 4, 4 जा 16. 16 चिल्ड्रंस को पसंद है ब्लू कलर. देन येलो, 1, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8. सो 8 चिल्ड्रंस को पसंद है येलो कलर. नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस. क्वेश्चंस हमें गिवन है. नंबर 1, हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक ग्रीन कलर. ग्रीन कलर कितने बच्चों को पसंद है, ठीक है. तो देखो, ग्रीन हमें दिया हुआ है, कितने पिक्चर्स है, 1, 2, 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रेन, ओके. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, ठीक है. 12 चिल्ड्रेंस को ग्रीन कलर पसंद है. देन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक ब्लू कलर. ब्लू कलर कितने बच्चों को पसंद है. सो देखो, 1, 2, 3, 4, 4 × 4, 16. 16 चिल्ड्रेंस को ब्लू कलर पसंद है. नंबर 3, हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक येलो कलर. येलो कलर कितने चिल्ड्रेंस को पसंद है. तो देखो, 1, 2, 2 × 4, 8 चिल्ड्रेंस को येलो कलर पसंद है. नंबर 4, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रेन लाइक रेड कलर देन ग्रीन कलर. कितने ज़्यादा बच्चे हैं जिनको रेड कलर पसंद है कंपेयर टू ग्रीन कलर. सो रेड कलर पसंद है 16 चिल्ड्रेंस को, ग्रीन कलर पसंद है 12 चिल्ड्रेंस को. तो कितने ज़्यादा को रेड पसंद है, तो 16 − 12, 4. 4 चिल्ड्रेंस को रेड कलर ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू ग्रीन. नंबर 5, हाउ मेनी लेस चिल्ड्रेन लाइक येलो कलर देन ब्लू कलर. येलो कलर कितने कम बच्चों को पसंद है कंपेयर टू ब्लू कलर. सो ब्लू कलर पसंद है 16 चिल्ड्रेंस को, ठीक है, और येलो पसंद है 8 चिल्ड्रेंस को. सो 16 − 8, 8. सो 8 चिल्ड्रेंस कम है जिन्हें येलो कलर पसंद है कंपेयर टू ब्लू कलर. नंबर 6, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रेंस आर देयर. टोटल कितने चिल्ड्रेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, शेप्स काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 13 × 4 = 52. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस आर 52. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. देर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल के अंदर कितने चिल्ड्रेंस हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं. Each student take part in some activity. Its pie chart is given below. Answer the following question on its basis. हर एक बच्चा, यानी 500 चिल्ड्रंस जो हैं, ठीक है, 500 स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटीज़ एंड द पार्टिसिपेंट्स. तो देखो, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में हाफ चिल्ड्रन है, ठीक है. देखो, पाई चार्ट का हाफ पोर्शन कवर करता है स्पोर्ट्स क्लब, यानी 500 में से हाफ स्टूडेंट्स कहाँ हैं, स्पोर्ट्स क्लब में. साइंस क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, 500 का 1/4 पार्ट साइंस क्लब में है, और मैथ्स क्लब में भी 1/4 पार्ट, ठीक है, जो 1/4 पार्ट है 500 स्टूडेंट्स का, वो मैथ्स क्लब के अंदर है, ठीक है. और 1/4 पार्ट कैसे है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है. इस तरीके से ये हो गया टोटल 4 पार्ट्स. दिस इज़ द 1 पार्ट, सो 1/4, 1/4, एंड दिस इज़ द हाफ पार्ट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द साइंस क्लब. साइंस क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस क्लब में देखो कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है. सो 500 का हम 1/4 निकाल लेंगे. सो 500 × 1/4, 4 को कैंसिल करेंगे 500 से. 500 को आप डिवाइड करो 4 से, 500 / 4, 4 × 1 = 4, −1 = 0, 4 × 2 = 8, −2 = 0, 4 × 5 = 20, आ गया 0, आंसर इज़ 125. यानी कि कितने चिल्ड्रंस हैं साइंस क्लब में, 125 चिल्ड्रंस हैं साइंस क्लब में. देन नंबर 2,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द मैथ्स क्लब, मैथ्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ्स क्लब में कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट. सो 500 का हम कर देंगे 1/4 पार्ट. सो 500 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, 500 का 1/4 होता है 125, यानी कि 125 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स क्लब के अंदर, ठीक है. साइंस क्लब में भी 125, मैथ्स क्लब में 125. नाउ नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो देखो स्पोर्ट्स क्लब का कितना पार्ट है, हाफ पार्ट है. सो 500 × 1/2, 500 का हाफ होता है 250, यानी कि स्पोर्ट्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. नाउ नंबर 4, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द साइंस एंड द मैथ्स क्लब, साइंस क्लब और मैथ्स क्लब को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. तो देखो साइंस क्लब में कितने बच्चे हैं, 125, एंड मैथ्स क्लब में कितने बच्चे हैं, 125. सो 125 प्लस 125, 250, ठीक है, दोनों को मिला के होते हैं 250 स्टूडेंट्स. देन नंबर 5, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्पोर्ट्स एंड द साइंस क्लब, स्पोर्ट्स और साइंस में कितने बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में है 250, साइंस में है 125. सो 250 प्लस 125, 375, ठीक है, स्पोर्ट्स और साइंस क्लब के बच्चों को मिला के होते हैं 375 स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट नंबर 6, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्पोर्ट्स क्लब देन द मैथ्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में मैथ्स क्लब से कितने ज़्यादा बच्चे हैं. तो स्पोर्ट्स क्लब में है 250 स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लब में है 125 स्टूडेंट्स. सो 250 माइनस 125, 125, यानी कि स्पोर्ट्स क्लब के अंदर 125 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं. देन नंबर 7, हाउ मेनी लेस स्टूडेंट्स आर देयर इन द साइंस क्लब देन स्पोर्ट्स क्लब, यानी साइंस क्लब में कितने कम बच्चे हैं स्पोर्ट्स क्लब से. सो स्पोर्ट्स क्लब में है 250 स्टूडेंट्स, साइंस में है 125 स्टूडेंट्स. सो 250 माइनस 125, 125, यानी कि साइंस क्लब में 125 स्टूडेंट्स कम है कंपेयर टू स्पोर्ट्स क्लब. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द टेबल शोज फेवरेट आइटम्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल, ठीक है, टेबल क्या शो कर रहा है कि एक स्कूल के बच्चों के फेवरेट आइटम्स क्या हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स पेजेस, नोट एवरी चिल्ड्रन प्रिफर वन एंड वन आइटम ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे हमें 40 एक स्कूल के बच्चों का प्रेफरेंस दिया है कि उन्हें क्या क्या खाना पसंद है, और यहाँ पे हर एक बच्चे का एक ही वो चूज़ कर सकता है, ठीक है. तो देखो फेवरेट आइटम्स हैं पिज़्ज़ा, सैंडविच, वड़ा पाव. सो चिल्ड्रंस पिज़्ज़ा कितने बच्चों को पसंद है, 40 स्टूडेंट्स को पसंद है. देन सैंडविच कितने चिल्ड्रंस को पसंद है, 20 चिल्ड्रंस को. वड़ा पाव 20 चिल्ड्रंस को. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. नंबर 1, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रंस आर देयर, कितने टोटल चिल्ड्रंस हैं. सो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, टोटल चिल्ड्रंस हैं 80, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर 80. देन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक पिज़्ज़ा आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, ठीक है. तो टोटल चिल्ड्रन हो जाते हैं यहाँ पे 80, ठीक है. अब हमें पूछा है कि पिज़्ज़ा का क्या प्रपोर्शन है, ठीक है, कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है. तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन निकालेंगे. तो देखो पिज़्ज़ा का क्या शेयर, कितने चिल्ड्रंस को पसंद है, 40, और टोटल चिल्ड्रंस है 80. तो 0 0 कैंसिल, क्या बचता है, 4/8. सो 4 1 4 और 4 2 8, 4 4 कैंसिल, देखो क्या बचा, 1/2, ठीक है. तो प्रपोर्शन क्या है, जिन बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, सो 1/2, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर हो गया ए. देन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक वड़ा पाव आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन. अब वड़ा पाव जिन बच्चों को पसंद है उनका प्रपोर्शन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो देखो वड़ा पाव पसंद है 20 बच्चों को, टोटल चिल्ड्रंस हैं 80, 0 0 कैंसिल, 2/8, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 4 8, 2 2 कैंसिल, 1/4. सो आंसर इज बी, 1/4, ठीक है. तो जो बच्चों को वड़ा पाव पसंद है उनका शेयर है 1/4, ठीक है. यहाँ पे हम शेयर लिखते भी जाते हैं, पिज़्ज़ा का शेयर हो गया हाफ और वड़ा पाव का शेयर हो गया 1/4, ठीक है. 20 चिल्ड्रंस हैं तो 1/4 शेयर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक सैंडविच आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन.
अब सैंडविच जिन बच्चों को पसंद है उनका हमें प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो सैंडविच पसंद है 20 बच्चों को एंड टोटल चिल्ड्रंस हैं 18। 0 0 कैंसल, 2 by 8, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 कैंसल, 1 by 4, आंसर इज बी। यानी कि सैंडविच जिन बच्चों को पसंद है उनका प्रपोर्शन है 1/4, तो सैंडविच पसंद है 1/4 बच्चों को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच आइटम इज लाइक्ड इन इक्वल प्रपोर्शन बाय द चिल्ड्रन। तो कौन सा है दो आइटम्स हैं जो बच्चों को इक्वल प्रपोर्शन में पसंद है। ठीक है, तो हमने पिज़्ज़ा का प्रपोर्शन फाइंड आउट किया था, पिज़्ज़ा का प्रपोर्शन था 1/2। ठीक है, देन हमने फाइंड आउट किया था सैंडविच और वड़ा पाव का प्रपोर्शन, जिनका सैंडविच का था 1/4 एंड वड़ा पाव का भी था 1/4। ठीक है, तो इक्वल प्रपोर्शन किसका है, सैंडविच और वड़ा पाव, सो आंसर इज सी। ठीक है, सो आंसर इज ओके, आंसर इज सैंडविच एंड वड़ा पाव। ओके, नेक्स्ट हमें पूछा है नंबर 6, मेक अ पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन टेबल। ठीक है, अबव जो हमें टेबल गिवन था उसके बेसिस पे हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो टेबल में क्या था हमारे पास, टेबल में था हमारे पास पिज़्ज़ा था। ठीक है, पिज़्ज़ा का प्रपोर्शन था 1/2। ठीक है, फिर हमारे पास था सैंडविच, सैंडविच का प्रपोर्शन था 1/4 एंड देन वड़ा पाव, वड़ा पाव का प्रपोर्शन था हमारे पास 1/4। ठीक है, पाई चार्ट बनाएंगे हम इस तरीके से, हाफ प्रपोर्शन में हम क्या दिखाएंगे, पिज़्ज़ा। ठीक है, पिज़्ज़ा का प्रपोर्शन है हाफ, तो येलो पार्ट हो गया पिज़्ज़ा, देन सैंडविच 1/4, तो इस तरीके से 1/4 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 1/4, तो 1/4 हो गया सैंडविच का एंड द अदर 1/4 इज़ वड़ा पाव। ठीक है, तो ये पूरा पाई चार्ट हो गया बेसिस ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो गुड बाय, टेक केयर।